हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल गेमिंग हिंदी चैनल पर। आज हम खेलने जा रहे हैं या खेलेंगे लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल गेम प्ले। गाइस, ये मेरा पहला सर्वाइवल गेम प्ले होगा और हाँ गाइस, ये भी पहला मेरा वॉइस रिवील होगा। देखो गाइस, मुझे बोलना भी नहीं आता है। वॉइस रिवील, वॉइस छोड़ो इसको, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आवाज प्रकट करना। सॉरी गाइस, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे या मेरे से बोलते समय या बोलते वक्त मेरा आवाज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ कर देना। तो चलो दोस्तों, फिर यहाँ पे लॉगिंग या साइनिंग करते वक्त यहाँ पे डेली इवेंट को कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस, आप सभी इस वीडियो के आ रही आलतू फालतू बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर करना। गाइस, जल्दी जल्दी से यहाँ से मैं गिफ्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ। लॉगिंग या साइनिंग करते वक्त यहाँ पे डेली फ्री का माल मिल रहा है, फ्री का माल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गाइस, आज हम रैंक सर्वर नहीं खेलेंगे, आज हम ऑपरेशन बेस में डेली का मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। आज से या अब से दो दिन बाद वीडियो अपलोड होगा। तो चलो दोस्तों, फिर ऑपरेशन बेस में एंटर कर ऑपरेशन बेस का डेली का कुछ मिशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसे ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा या टाइम ले रहा है। चलो गाइस, आखिरकार हम अपने बेस में आ गए हैं या एंटर हो गए हैं। गाइस, ये ऑपरेशन बेस में ये मेरा छोटा सा बेस है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। गाइस, थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाएगी। लो गाइस, सुबह भी हो गई। जल्दी जल्दी से यहाँ से मैं जो जो सामान ज़रूरतमंद हो उस सामान को मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ, यानी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मुझे कोई भी सामान जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा पूरा बैग सामान से भर गया है, उसे खाली करना जरूरी है। यहाँ कैबिनेट पे थोड़ा सामान रख लेता हूँ और यहाँ पे भी कुछ कपड़े रख लेता हूँ। तो चलो गाइस, अपना काम करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। नहीं नहीं गाइस, नहीं, सबसे पहले गाइस कुछ खाना जरूरी है। तो यहाँ से मैं कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सा लाल जामुन बैग में से निकाल कर मैं पॉकेट में रख लेता हूँ, बाद में खाने में आसानी होगी। और यहाँ फर्नेस में भी कुछ रख लेता हूँ, कुछ बनता रहेगा, बाद में यहाँ से बहुत काम आएगी या फिर बड़े काम की चीज मिलेगी। अच्छा, ये मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी को पता ही होगा, 100% मालूम ही होगा, फर्नेस में डालने से क्या मिलता है। दादा, अब वक्त है पानी पीकर, बैग में से हथियार निकालने का टाइम आ गया है। गाइस, अब वक्त आ गया मिशन पूरा करने के लिए। मैं तो मिशन करने के लिए पूरा रेडी हूँ। क्या दोस्तों, आप रेडी हो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो का मजा लेने के लिए? पहला मिशन कंप्लीट करने के लिए बैंडेज की जरूरत होगी। बैंडेज के लिए सफेद और हरा रंग का पौधा ढूंढना पड़ेगा। ये रहा सामने जड़ी बूटी। उससे पहले गाइस, हम देख लेते हैं हमको क्या क्या मिशन कंप्लीट करना है। डेली लॉगिंग ये तो हो गया है, और हमको इस गेम में 20 मिनट से ज्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा या सर्वाइव करना होगा। देखो गाइस, यहाँ पर इतने सारे मिशन है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। 10 बैंडेज बनाने के लिए हमको 5-6 सफेद और हरा रंग का जड़ी बूटी पौधे को उखाड़ना पड़ेगा। जैसे कि ये सामने जड़ी बूटी दिखाई दे रहा है, इसको ही हमको 5-6 कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर 10 बैंडेज बना पाएंगे। गाइस, ये जड़ी बूटी आपको अलग अलग इलाकों पे, अलग अलग जगह पे आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा लग रहा है गाइस, मेरा मुँह बाल्टी में फंस गया हो। गेम वालों ने भी अजीब सा हेलमेट दिया है, जो भी कहे गाइस, लेकिन हेलमेट तो अच्छा है। गाइस, दूसरे मिशन के लिए हमको ढेर सारा मिर्च चाहिए, मिर्च के लिए हमको किसी को मारना पड़ेगा। देखो गाइस, वो रहा सामने भालू, इसको मारकर हमको ढेर सारा मीट मिल जाएगा। भालू को मारकर उसका मीट लेना पड़ेगा। चलो इसको मारते हैं हम। लो गाइस, भालू भी मर गए, आप यहाँ से मीट कलेक्ट कर लेते हैं। गाइस, इस मीट का क्या करना है और इस मीट का क्या उपयोग है, आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आराम से बताऊंगा, जरा सब्र रखिएगा, ठीक है ना। गाइस, तीसरा चौथा पांचवा छठा मिशन के लिए सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सबके सब मिशन सब एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके लिए आपको या मुझे 4-5 येलो ब्लू रेड ड्रम को हमें एक एक करके सभी ड्रम को तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल जैसे कि मैं यहाँ येलो ड्रम को तोड़ रहा हूँ, गाइस आप भी ऐसे ही एक एक करके हर ड्रम को तोड़ लेना या फोड़ लेना, आपका और मेरा मिशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अब गए सामने वाले गैरेज पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2-3 जोमिस दिखाई दे रही है, मुझे तीनों जोमिस को मारना होगा। हाँ गाइस, इन जोमिस को मारने से भी मिशन कंप्लीट होता है। 2-3 जोमिस को मार लिया है तो मेरा मिशन कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं गैरेज के अंदर। गाइस, गैरेज के अंदर
सप्लाई चेस्ट या टूल बॉक्स तोड़ने से भी मिशन कंप्लीट होता है। गाइस यहाँ पे तो एक ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा है, इसको तो गाइस मैं चाकू से मारूंगा, अपना गोली क्यों बर्बाद करे। चलो आराम से खत्म हो गया। चलो गाइस इन दोनों बॉक्स को मैं तोड़ लेता हूँ, कुछ ना तो कुछ तो मिलेगा। अरे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, सामने टूल बॉक्स है, कुछ ना तो कुछ तो मिल जाए। वाह, थोड़ा सा बुलेट मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ से जो चाहिए था वो नहीं मिला। गाइस मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी तार के बारे में, जनरेटर में डालने से जनरेटर ऑन हो जाता है, और जनरेटर ऑन होने से ब्लू ग्रीन पर्पल कार्ड से हम किसी भी रूम को ओपन कर सकते हैं। रूम ओपन होने से हमको अच्छे अच्छे सामान मिल सकते हैं। अब बैंडेज बनाने के लिए कितनी जरूरी चाहिए सबसे पहले वो देख लेता हूँ। हमको अब बैंडेज बनाने के लिए एक ही पौधे की जरूरत है, आगे जाकर आसानी से मुझे मिल जाएगी। लेफ्ट साइड में मुझे दूसरा किस्म का ज़ॉम्बीज भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इन सभी ड्रम को फटाफट फोड़ लेता हूँ। यहाँ से सभी ड्रम को एक एक फोड़ कर दो दो स्पेयर को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेयर बाद में बहुत काम आएगी। सामने भी जाना पड़ेगा ड्रम तोड़ने के लिए और स्पेयर कलेक्ट करने के लिए। तो लेट्स गो, चलते हैं। अरे गाइस यहाँ पे दूसरा टाइप का ज़ॉम्बी आ गया, चलो इसको मार कर आगे बढ़ते हैं। गाइस आप सभी को मालूम है इस अपडेट के बाद यहाँ पे 3-4 ज़ॉम्बी ऐड कर दी गई है। अब आपको खतरनाक खतरनाक ज़ॉम्बी देखने को मिलेगा। एक ज़ॉम्बी का नाम मैंने रखा है कंचना डॉक्टर। कंचना डॉक्टर से भी एक ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक है, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले गाइस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और अपना मोबाइल का वॉल्यूम फुल करके सुनिएगा। उससे पहले गाइस मैं यहाँ से आखिरी जड़ी बूटी को उखाड़ लेता हूँ ज़ॉम्बी के इलाकों में जाने से पहले। अब मैं बैंडेज को बना लेता हूँ। बैंडेज बना लेने के बाद, ये बन जाने के बाद, चलो मैं अब बैंडेज लगाकर अपने हेल्थ को पूरा फुल कर लेता हूँ, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज के इलाकों में जाकर कई सारे ज़ॉम्बीज को ठोकना है। अरे जल्दी जल्दी से लगा बैंडेज, इतना स्लो से काम नहीं चलेगा। चलो गाइस अब रेडी हो गया है, ज़ॉम्बीज के इलाकों में चलते हैं। तो गाइस मैं क्या कह रहा था, अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा। क्या आप सभी अपने चैनल पर सब्सक्राइब लाना चाहते हो या फिर अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ाना चाहते हो? अगर आप अपने चैनल पर सब्सक्राइब लाना चाहते हो या अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आप सभी का चैनल को प्रमोशन करना शुरू कर दूंगा। हाँ गाइस, हाँ आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, मेरे वाइटी बाबा की कसम मैं कभी झूठा वादा नहीं करता हूँ, तुझे तो मैं दौड़ा के मारूंगा। ओहो पीछे से बार, बेटा ये गलत बात है, तुम सुल्तान बनने की कोशिश ना करो। गाइस ये ज़ॉम्बी तो मर गया। देखो गाइस मेरा मोबाइल इतना लैग हो रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा गेम है, मुझे अगर दूसरा गेम खेलना हो तो मुझे ये गेम को डिलीट करना पड़ता है। अगर मुझे फिर से ये गेम खेलना हो तो मुझे दूसरा गेम को डिलीट करना पड़ेगा। गाइस मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं अपने मोबाइल में एक ही गेम रख सकता, मेरे मोबाइल में दो गेम रखने से गेम लैग करने लग जाता है और मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है, इसलिए गाइस मैं अच्छे से गेम खेल नहीं पाता हूँ और अच्छे से भी वीडियो बना नहीं पाता हूँ। अरे भाई ऐसे आवाज़ निकल के डराया मत करो, मुझको बहुत डर लगता है और मैं बहुत डर जाता हूँ। चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से तो खतरनाक आवाज आती है। अभी फिलहाल इन सभी ज़ॉम्बी से दूरी रहना बेहतर है। इस वाले रूम से भी थोड़ा सर्च करके आ जाता हूँ, यहाँ से तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाए तो अच्छा है। गाइस मैं तुझको नहीं मारूंगा, जा तुझे माफ किया, जा जी ले बेटा अपनी जिंदगी। गाइस मैं क्या कह रहा था कि देखो गाइस ऐसे है कि मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक अपनी मेहनत से, जब तक अपने यूट्यूब से अर्निंग ना कर लूँ तब तक हम अपना न्यू मोबाइल नहीं खरीदेंगे, इसीलिए गाइस हम अभी फिलहाल हम औकात के बाहर हैं। छोड़ो गाइस ये बात अभी यहीं ही रहने देते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। क्या गाइस आप अपने चैनल के लिए, अपने वीडियो के लिए न्यू इंट्रो लगाना चाहते हो? अगर आपको चाहिए तो आपके लिए मैं ऐसी दो एप्लीकेशन लाया हूँ। अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, इसको मारना ही पड़ेगा मुझे। आजा आजा लेखा पट्ट से हेडशॉट। गाइस मुझे यहाँ से हर बार ग्रीन कार्ड ही मिला है, जब से मैंने ये गेम खेला है तब से आज तक मुझे कभी भी पर्पल और ब्लू कार्ड कभी नहीं मिला, अभी भी ग्रीन कार्ड ही मिला है। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था कि अगर आप कुछ अपने चैनल के लिए, अपने वीडियो के लिए न्यू इंट्रो चाहिए तो मैं आपके लिए ऐसी दो एप्लीकेशन लाया हूँ, आप अपने चैनल के लिए, अपना वीडियो के लिए एक अच्छा सा इंट्रो सेलेक्ट कर अपना वीडियो पर लगा सकते हैं। गाइस मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप यहां से डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले गाइस आप सभी मेरे चैनल का इंट्रो देख लीजिए, आज से आप सभी को मेरा चैनल का यही इंट्रो देखने को मिलेगा।
गाइस आप सभी को मेरा चैनल का इंट्रो कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट करें। लो गाइस हम जनरेटर रूम में आ गए हैं। गाइस मैं इसी जनरेटर के बारे में बात कर रहा था और इसी तार के बारे में बता रहा था। अभी फिलहाल इतने तार से काम चल जाएगा यानी कि रूम ओपन हो जाएगा। तो चलो गाइस रूम को फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ग्रीन कार्ड से स्वाइप किया और रूम ओपन हो गया। यहाँ से अच्छे अच्छे सामान मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ओ वाओ नाइस काफ़ी अच्छे सामान मिल गए। अब फटाफट इन बॉक्स को तोड़कर यहाँ से फटाफट निकलकर अपनी बेस की तरफ चलते हैं। गाइस मैं आपको एक छोटा रास्ता बताऊंगा अपने बेस में जाने के लिए। सबसे पहले आप इधर से मुड़ जाइए। गाइस यहाँ से आप जल्दी जल्दी से घर पहुँच जाएंगे यानी कि अपने बेस में पहुँच जाएंगे। गाइस आप सभी कितने लोगों को मालूम है इस रास्ते के बारे में मुझे कमेंट कर बताइए। और हाँ गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी जाइए मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने बेस में जाने के लिए सबसे पहले इस पत्थर पे चढ़ जाइए। गाइस मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ आप सभी उस रास्ते पे चले जाना क्योंकि एक गलत कदम आपको और मुझे नीचे गिरा सकती है। लो गाइस हम आ गए अपने बेस के नजीक। ये मेरा बेस का पीछे का साइड का है। आप सभी सोच रहे होंगे अभी तक इसने अपने बेस को अपग्रेड क्यों नहीं किया। अपग्रेड करने के लिए बाईपास करना पड़ता, बाईपास करने के लिए पैसे की जरूरत है क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो गरीब घर का लड़का रोज खड्डा खोद के पानी पीने वाला। गाइस जिस भालू को मारकर हमने उसका मीट लिया था, उस मीट का यूज करने का टाइम आ गया है। अब इस 20 मीट को चूल्हे पे डालकर एक एक प्लेट पकाया हुआ 10 प्लेट चिकन निकालना है। जैसे 10 प्लेट चिकन बन जाएगा तो हमारा लास्ट मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं हमारा कितना मिशन कंप्लीट हुआ है। लगता है मेरा सारा का सारा मिशन कंप्लीट हो गया है। अभी तक तो 10 प्लेट चिकन डिशेज बन गया होगा। नहीं गाइस एक ही प्लेट बाकी। लो गाइस 10 प्लेट चिकन भी कंप्लीट हो गया है। अब गाइस जितने भी हमने मिशन कंप्लीट किया है वो सभी सारे के सारे मिशन को कलेक्ट कर लेते हैं यानी समेट लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को कट कर सारे के सारे मिशन को समेट लेता हूँ। अब हमको यहाँ से इस बॉक्स ढेर सारा स्पेयर मिलने वाला है तो फिर मैं इन सारे के सारे बॉक्स को एक एक कर ओपन कर लेता हूं और हमें इस लास्ट बॉक्स में से ढेर सारा टिकट मिलेगा या मिलने वाला है। लो गाइस अब तो बैटरी ने भी साथ छोड़ने का वादा कर लिया। लेकिन गाइस आप सभी मेरे चैनल को और मुझे साथ छोड़ने की वादा ना करना क्योंकि आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ। वादा करो मुझे और मेरे चैनल को कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो गाइस आप ऐसे ही आप अपने ऑपरेशन बेस में डेली का मिशन इजी और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। वाव गाइस मुझे 11 टिकट मिल गए। तो चलो गाइस आज का वीडियो में बस इतना ही, फिर जल्दी ही एक नए वीडियो में जुड़ेंगे। तो फिर मैं चलता हूँ दूसरे मिशन की तरफ। दूसरा मिशन कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। तो फिर मैं चलता हूँ दूसरे मिशन की तरफ। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस।